और अगली खबर रायपुर से, जहां स्वास्थ्य संयोजक कर्मचारी संघ आज प्रदर्शन करेगा। सीएम हाउस का घेराव करेगा कर्मचारी संघ। 37 दिनों से मांगों को लेकर धरने पर बैठे हैं स्वास्थ्य कर्मचारी। तो मुख्यमंत्री के साथ स्वास्थ्य मंत्री के आवास का भी घेराव किया जाएगा। ग्रेड पे और वेतन मान समेत अन्य मांगों को लेकर स्वास्थ्य कर्मी हड़ताल पर है। तो 37 दिनों से जारी हड़ताल है, धरने पर बैठे हैं स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के सदस्य। और मुख्यमंत्री के साथ साथ अब स्वास्थ्य मंत्री के आवास का भी आज घेराव करेंगे स्वास्थ्य संयोजक कर्मचारी संघ। आज प्रदर्शन करते हुए सीएम हाउस का घेराव करेगा। हमारे सहयोगी राहुल पाली हमारे साथ जुड़ गए हैं। राहुल, आपसे जानना चाहेंगे, 37 दिनों से मांगे मनवाने के लिए धरने पर बैठे हैं कर्मचारी, आज प्रदर्शन करते हुए सीएम हाउस का घेराव करेंगे, क्या कुछ और जानकारी? जी बिल्कुल नाजिम, मैं आपको बताना चाहूंगा कि छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य संयोजक कर्मचारी अपने मांगों को लेकर लगातार आंदोलन पे बैठे हैं। अगर इनकी बात की जाए आंदोलन की, तो 37वां दिन पूर्ण हो चुका है, उसके बाद भी सरकार के द्वारा कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। अब जो सरकार के द्वारा एस्मा भी लगा दिया गया, उसके बावजूद भी जो कर्मचारी अपने मांगों को लेकर हड़ताल में बैठे हैं। बात की जाए इनकी मांगों के तो वेतन विसंगति के सहित में साफ सुथरी मांगों को लेकर बैठे हैं। और सरकार के पास में कई दफे जो है ज्ञापन भी सौंपा गया, सरकार के आला अधिकारी धरना स्थल पर पहुंचते हैं, उनको आश्वासन दिया जाता है, कई विपक्षी पार्टी उनके समर्थन के लिए पहुंच रहे हैं। लेकिन जो सरकार को उनके जो मांगों को लेकर पहल करनी चाहिए, चाहे स्वास्थ्य मंत्री हो चाहे मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह हो, उसके द्वारा से कोई पहल और कोई प्रतिक्रिया नहीं आने के कारण जो है आज जो है सीएम हाउस के घेराव के लिए निकलेंगे। उसके साथ साथ में स्वास्थ्य जो मंत्री है उनके जो घेराव के लिए निकलेंगे। घेराव किया जा रहा है, ग्रेड पे और वेतन मान समेत कुछ अन्य मांगे हैं। आपने कहा कि बातचीत करने के लिए पहुंचे, लेकिन कोई हल नहीं निकल सका है। क्या लगता है, 37 दिन बीत चुके हैं, उसके बाद भी सरकार की तरफ से अगर इस पर विचार नहीं किया जा रहा, तो बार बार क्यों प्रदेश में इस तरह के हालात निर्मित हो रहे हैं? जी बिल्कुल नाजिम, मैं आपको बताना चाहूंगा कि लगातार जो है आंदोलन में बैठे ये ऐसे स्वास्थ्य कर्मी है जो ग्रामीण क्षेत्रों में पोलियो के लिए हो, चाहे जो अभी टीकाकरण की बात सामने आए थे उसके लिए जो ये स्वास्थ्य कर्मी काम करते हैं, गर्भवती महिलाओं के लिए, प्रसव के लिए काम करते हैं। और जो 6 अगस्त को जो है टीकाकरण होना था, उसको जो सरकार के द्वारा हड़ताल के चलते छत्तीसगढ़ प्रदेश में स्थगित किया गया है, लेकिन सरकार के द्वारा जो टीकाकरण बच्चों को होना चाहिए उसके लिए कोई पहल नहीं की गई, वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की गई है। तो कहीं ना कहीं सरकार इसमें पूरी जिम्मेदारी है और सरकार की जिम्मेदारी यहाँ पे दिखाई दे रही है। और जिम्मेदारी बात यहाँ पर समझनी होगी कि स्वास्थ्य कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर बार बार प्रदर्शन कर रहे हैं। इससे पहले भी लंबे वक्त तक अगर हम देखें तो एम्बुलेंस कर्मियों ने भी हड़ताल की हुई थी। प्रदेश में स्वास्थ्य व्यवस्था की हालत वैसे ही ठीक मालूम नहीं पड़ती, टीकाकरण को टाल दिया जाता है, डेंगू से प्रदेश वैसे ही जूझ रहा है। ऐसे में क्या माना जाए, स्वास्थ्य मंत्री क्या अपने पद पर रहते हुए इन सारी चीजों को नजरअंदाज कर रहे हैं? जी बिल्कुल नाजिम, मैं आपको बताना चाहूंगा कि स्वास्थ्य मंत्री अजय चंद्राकर से जब मीडिया कर्मी उनसे स्वास्थ्य कर्मचारी के हड़ताल से और 108 के हड़ताल से जब सवाल जवाब करती है, तो वो सीधे कहते हैं कि धैर्य रखिए, उनकी मांगों को लेकर विचार विमर्श किया जा रहा है। लेकिन 37 दिन हो चुके हैं, सिर्फ धैर्य रखने की बात सामने आ रही है, कोई पहल नहीं किया जा रहा है। अगर उनकी मांगों को लेकर पहल नहीं करनी है, तो सीधे तौर पर जो मांगों को लेकर पहल नहीं किया जा सकता, ऐसा जो है अगर उनकी जुबानी से सामने आता है, तो कुछ ना कुछ जो है स्वास्थ्य कर्मचारी अपने विचार विमर्श से आगे की रणनीति बनाएंगे, लेकिन पहल की जाएगी, धैर्य रखिए, ऐसे स्वास्थ्य मंत्री का बयान आता है। तो इतने दिन से बैठे स्वास्थ्य कर्मी उनके आश्वासन के लिए बैठे हुए थे, लेकिन अभी तक धैर्य रखने की बात कहके क्या सिर्फ यहाँ पर कर्मचारियों को टालने की बात की जा रही है राहुल? क्योंकि ऐसा ही कुछ अगर बात की जाए पिछले दिनों देखने को मिला था, तब भी 40 दिन से ज्यादा का समय बीत गया था और उसके बाद उन मांगों पर विचार किया जाता है। तो क्या ये मांगे जायज नहीं है, या फिर इन मांगों पर विचार करने के लिए एक तय समय चाहिए? आखिर क्यों नहीं यहाँ पर कर्मचारी संघ के प्रतिनिधि से बात की जा रही है? जी बिल्कुल नाजिम, मैं आपको बताना चाहूंगा कि लगातार जो स्वास्थ्य कर्मी के पदाधिकारी हैं, उनका कहना है कि पिछले दफे जब चुनावी वर्ष थे तो हमें आश्वासन दिया गया था, हमें जो हमारी मांगों को लेकर पहल करने की बात की गई थी, लेकिन अभी तक से पहल नहीं करने के कारण जो है अनिश्चितकालीन हड़ताल में मजबूरन जाना पड़ा है, स्वास्थ्य जो है प्रदेश की लचर होती जा रही है। लेकिन कहीं ना कहीं सरकार जिम्मेदार है, उसके ध्यान नहीं दे रही है और अनदेखा करके सरकार लगातार जो है अनदेखा कर रही है, स्वास्थ्य कर्मचारी हड़ताल में बैठे हैं।